नमस्कार पॉजिटिव भारत को स्वागत कर प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस पर जम्मू काश्मीर रे जवान को सहित दीपावली पाले प्रधानमंत्री संबोधन में कहले जवान माने मो परिवार सेना सीमार जगिले शांति रे सोउछि देश जवान को वीरत्वर ज्वलंत उदाहरण कही मनोबल बढ़ाइले मोदी सीमार सेना पालुछि दीपावली पाकिस्तान चीन मुहां विभिन्न फॉरवर्ड पोस्ट देशवासी को शुभेच्छा जनइले भारतीय जवान माने सेबडे एलओसी रे मीठा दियानिया हेले भारत पाक सेना प्रकाश रो पर्व दीपावली को खूब शीघ्र राष्ट्रीय छुट्टी सहित पालन करिबा अमेरिका यूएस कांग्रेस रे दिवाली डे बिल आगत बिल उपस्थापन करी अत्यंत खुशी कले न्यूयॉर्क रो सांसद केरोलिन मेलोनी केन्द्र पर राज्य तेल उपरू तीन टंका भाट ह्रास कले ओडिशा सरकार पेट्रोल और डीजेल उपरू तीन टंका भाट कमाइले सरकार गतकाल पेट्रोल पांच डीजेल दस टंका उत्पाद शुल्क कमाइला केन्द्र आज आलोकर पर्व दीपावली पिंडदान सहित बड़बड़ुआ को डाकिबा परंपरा पिठा मिठा खाई बाण फुटाइबे लोके सेबडे कालीपूजा उत्सव मुखर पश्चिमबंग ओडिशा श्रीमंदिर चारिपटे सही चरलधार लागू सिंहद्वार सामने कांवरिया जाड़ा मना आसला प्रथम कोविड बटिका मर्क कंपनी प्रस्तुत कोरोना बटिका को मिलना अनुमति कोरोना बटिका को अनुमति देले ब्रिटेन सरकार फार्मा कंपनी मर्क एंड लोइंक फार्मा कंपनी मर्क एंड कोइंक औषध प्रस्तुत करछि प्रथम कोविड बटिका मोलनुपिराविर नारे एहा जणा जीवनी सूचना रहिछि आसला प्रथम कोविड बटिका मर्क कंपनी प्रस्तुत कोरोना बटिका को मिली अनुमति ब्रिटेन सरकार देखते अनुमति एवं जहाँ सूचना रही मोलनुपिराविर नाम कोविड टीकाटी जनजार जहाँ सूचना मर्क कंपनी प्रस्तुत कोरोना बटिका को वर्तमान मिली अनुमति आज सारा देश पालुछि दीपावली एही अवसर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देशवासी को दीपावली शुभेच्छा जनाइछन्ति सेहिपरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी देशवासी को दीपावली शुभकामना जनाइछन्ति ई दीपर पर्व समस्त जीवन में सुख संपूर्णता आनीदेव बोली कामना करछन्ति प्रधानमंत्री राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल भी दीपावली शुभेच्छा जनाइछन्ति मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी राज्यवासी को कालीपूजा और दीपावली शुभेच्छा जनाइछन्ति सावधानता और सतर्कता बजाय रखी समस्त उत्सव में सामिल होगा मुख्यमंत्री सेपरी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भी समस्त खुशी और आलोकर महापर्व दीपावली शुभकामना देखते यह पर्व समस्त जीवन में सुख शांति उल्लास आनीदेव बोली कामना करते केन्द्रमंत्री सेबड़े बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती भी समस्त दीपावली शुभेच्छा जनाइछन्ति प्रतिवर्ष परी चलित बर्षर दीपावली मध्य सेना जवान को सहित पालन करछन्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार पूर्वाह्न जम्मू काश्मीर सीमावर्ती जिला रजौरी ठेरथिबा नौसरा सेक्टर में भेटिछन्ति सेना जवान को प्रधानमंत्री भावरे नुहे बरं सेना परिवार जने सदस्य भावरे प्रतिवर्ष दीपावली रे जवान को भेटि सेमानकर मनोबल बढ़ाइथान्ति प्रधानमंत्री आप सभी के बीच आना जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है वही भाव मेरे मन में होता है। आपण माने मोर परिवार मु आपण को परिवार रो सदस्य प्रतिवर्ष परि एथरो भी मु आसेछि आपण को सह दीपावली पालन करबाकु साथिरे आनिछि 130 कोटी भारतीयों का आशीर्वाद आउ शुभकामना पवित्र दीपावली अवसर रे सेना सह समय बिताइले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेनार साहसिकता और त्याग को कले प्रशंसा प्रतिवर्ष परि चलित बर्षर दीपावली मध्य सेना जवान को सह पालन करछन्ति देशर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार पूर्वाह्न जम्मू काश्मीर सीमावर्ती जिला रजौरी ठारे थिबा नौसेरा सेक्टर में भेटिछन्ति सेना जवान को दीपावली उत्सव प्रत्येक निज परिवार सहित पालन करबाकु चाहन्ति प्रतिवर्ष परि मु मध्य मो परिवार सहित दीपावली पालन करबाकु आसिछि सेना हेउछि मोर परिवार एवं मु एही परिवारर जणे सदस्य
ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପ୍ ସଭି କେ ବିଚ୍ ଆନା ଜୋ ଭାବ ଅପନେ ପରିବାର କେ ବିଚ୍ ଜାକର କେ ହୋତା ହୈ ବୋହି ଭାବ ମେରେ ମନ ମେ ହୋତା ହୈ ଔର ଜବ ସେ ମୈଁ ଇସ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଜିମ୍ମେଵାରୀ କୋ ସମ୍ଭାଳ ରହା ହୁଁ ଆଜ ଉସକୋ 20 ସାଲ ସେ ବେଧିକ ସମୟ ହୋ ଗୟା ବହୁତ ଲମ୍ବେ ଅର୍ସେ ତକ ମୁଝେ ଦେଶବାସୀ ନେ ଇସ ପ୍ରକାର କି ସେବା କା ମୌକା ଦିଆ ପହେଲେ ଗୁଜରାତ ବାଲୋ ନେ ଦିଆ ଦେଶବାସୀ ନେ ଦିଆ ଲେକିନ ମୈନେ ହର ଦିୱାଲୀ ସୀମା ପର ତୈନାତ ଆପ ମେରେ ପରିବାରଜନ କେ ବିଚ ବିତାଇ आज मैं फिर आपके बीच आया हूं, आपसे एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେନାର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଏବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯୁଦ୍ଧର ମାଧ୍ୟମ ବଦଳିଛି, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜର ସାମରିକ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସେନାରେ ଆଧୁନିକୀକରଣକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସେନା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ସଫଳତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହିତ ସେଥିରେ ଯବାନଙ୍କ ସାହସିକତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାଇଁ ଏହା କି ବ୍ରିଗେଡ୍ ନେ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ନିଭାଇ ଓ ହର ଦେଶବାସୀ କୋ ଗୌରବ ସେ ଭର ଦେତା ହୈ ଔର ଓ ଦିନ ତୁ ମୈଁ ହମେଶା ୟାଦ ରଖୁଙ୍ଗା କ୍ୟୁକି ମୈଁ ତୟ କିଆ ଥା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ କେ ପହେଲେ କେ ସବ ଲୋକ ଲୌଟ କରକେ ଆ ଜାନେ ଚାହିଏ ଔର ମୈଁ ହର ପଲ ଫୋନ କି ଘଣ୍ଟି ପର ଟିକ ଟିକା କେ ବୈଠା ହୁଆ ଥା କି ଆଖିର ସେ ଆଖିର ମେରା ଜବାନ ପହଞ୍ଚ ଗା କ୍ୟା ଔର କୋଇ ବି ନୁକସାନ କିଏ ବିନା କି ମେରେ ବୀର ଜବାନ ଲୌଟ କରକେ ଆ ଗଏ पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ନୌସେରା ସେକ୍ଟର ସେନା ଶିବିରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହିତ ସେନା ଯବାନ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ମିଠା ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2014 ମସିହାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେନା ଯବାନଙ୍କ ସହ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସେଭଳି ସୀମାରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଜାଗ ଭାରତର ସେନା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବା ସୀମାର ବିଭିନ୍ନ ଫରୱାର୍ଡ ପୋଷ୍ଟରୁ ସେନାର ଯବାନମାନେ ଦୀପାବଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି। देशवासियों व उनके परिवारों को तहे दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली का एक पवित्र पर्व सभी देशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लाए। लाइन ऑफ कंट्रोल सीमाओं पर तैनात सैनिकों की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि दीपावली का त्यौहार आपके घर में भरपूर खुशियाँ व लक्ष्मी गणेश जी का आशीर्वाद लाएगा। दीपावली हमारे देश का सबसे खास पर्व है। यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलग अलग धर्मों समुदायों के सैनिक हर त्योहार को एकजुट होकर मनाते हैं। हम देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का संदेश देते हैं। मैं चुशूल पर तैनात सैनिक सभी देशवासियों व उनके परिवारों को तहे दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଲା ଦୀପାବଳି। ସୀମାରେ ମିଠା ଦିଆ ନହେଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଇଣ୍ଡୋ ପାକ୍ ସେନା ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଦେଇ ସଦ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ତମାମ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପରକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି, କାଳେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଅଚାନକ ହମଲା କରିବେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ସେନା ଥାଏ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ଆଜି ଦୀପାବଳିରେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡର ପୂରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ।
आज अयोध्यार करसेवकपुरम गस्त करी सेठारे रहुतबा साधु संथंको भेटिछंती उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निर्माणाधीन थिबा प्रभु श्रीरामक भव्य मंदिर सहित संप्रक्त विभिन्न धार्मिक संगठन साधु संथंक सहित कथा होई सेमानकर भलमंद पचारि बुझिछंती एवं सेमानक सहित जलखिया खाइछंती। अवसर मंदिर निर्माण आंदोलन सहित जड़ित समस्तंकु साधुवाद जणाइछंती। ता पूर्वरु महंत नृत्य गोपाल दासक सहित मध्य साक्षात करथिले योगी आदित्यनाथ। का पावन पर्व दीपावली है और मैं तो ये सोच ही रहा था, लेकिन तभी मेरे सामने माननीय चंपत जी का एक प्रस्ताव आया तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि मैंने कहा कुछ संतों के साथ किसी बहाने संवाद हो और संवाद ही खाली नहीं जलपान के साथ हो, तो जब विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ऑफर होते तो बिन मांगे एक हम सबको नई मुराद मिल गई, तो मैंने इसलिए इसको स्वीकार भी किया और आज आप सबके सेवा में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी संतों का मैं दीपावली के इस पावन पर्व पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। दीपोत्सव के कार्यक्रम को आप सबने पूरी अयोध्या धाम में मिलकर के जिस नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, इसने दुनिया के अंदर आप सबकी भावनाओं को आगे बढ़ाया है। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था श्री राम जन्मभूमि के लिए, उस आंदोलन के साथ जब ये भावनाएं जुड़ी तो आपने देखा कि तीसरे ही वर्ष 500 वर्षों की समस्या जो असंभव लग रही थी वह भी संभव हो पाई। ये सब भावनाओं का प्रभाव है और इस अवसर पर हम सबको याद रखना होगा कि अयोध्या को इस नई पहचान के साथ हम सबको निरंतर आगे बढ़ाना होगा, न केवल भौतिक विकास की बल्कि उस प्रकार का आध्यात्मिक और धार्मिक वातावरण भी हम देना हम सबका दायित्व बनता है। ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରସ୍ଥିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ହିଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବା ଲାଗି ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉଛି। ଆଜ ଦିୱାଲି କା ଦିନ ଔର ଏସା ହେ କି ଆଜ କେ ଦିନ ଛେମେ ପାଶା ହରଗୋବିନ୍ଦ ସାହିବ ଜୀ ग्वालियर के किले से रिहा हुए थे और उनके साथ 52 राजे जो है वो रिहा हुए थे। कैसे आज गोल्डन टेंपल की दिवाली को कैसे सजाया गया, कैसे मनाया जाता है? बहुत अच्छा सजाया गया है जी, बहुत अच्छी डेकोरेशन की गई है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रबंध किए हुए हैं उन्होंने। हाँ जी, रात को आतिशबाजी होगी। हम परिवार के साथ आए हैं, यहाँ पे माथा टेका, स्नान किया और रात को आतिशबाजी देखेंगे। आज बहुत बड़ा दिन है, आज जो है बंदी छोड़ दिवस, दिवाली दी रात दीवे बालियन तार। भारतीय स्थलसेना जवान सहित दीपावली पालन करने पूर्व वायुसेना जवान सहित प्रधानमंत्री दीपावली पालन। जम्मू कश्मीर सीमावर्ती जिला रजौरी नौसेरा जावा अवसर में आज जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट में वायुसेनार जवान को भेटी सहित किसी समय बिताई प्रधानमंत्री कथ होते जवान मान मिठाई बांटी प्रधानमंत्री सहित साक्षात आलोचना कर बे उत्साहित पड़े वायुसेना जवान। सेना जवान सहित दीपावली पालन पर प्रतिवर्ष पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंची जम्मू काश्मीर रजौरी जिले में सेठार नौसेरा सेक्टर में पालन करते दीपावली तेज यह अवसर में देखा मिले एक नुआ कथा बिना सुरक्षा व्यवस्था मध्य एयरपोर्ट में पहुंचे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री निर्देश में दिल्ली एयरपोर्ट जावा पर्यटन सर्वनिम्न सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर सका समय एयरपोर्ट अभिमुखे बाहर प्रधानमंत्री गाड़ी रास्ता भिड़ ना बिना कौन कड़ा सुरक्षा व्यवस्था धार्य समय मध्य एयरपोर्ट में पहुंचे प्रधानमंत्री और सेठ जाते रजौरी नौसेरा। खबर जारी रहिबो समयचक ब्रेक रा। प्रिफ्रेस स्वागत
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ବହୁମୁଖୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। 108 ଦୀପଦାନ ସହିତ ମା କାଳୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାକ। ପୀତାମ୍ବର, ଆଜି ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, ଏହି ଅବସରରେ ଯବାନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଭଳି ଦୀପଦାନର, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା? ନୀଳିମା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଆଲୋକର ଦୀପାବଳିର ପର୍ବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଏହି ସଂଘ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତର, ତା ସେହି ବର୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଦିନ ଦୀପାବଳି ଆସେ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏହି ସଂଘଠୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହାତରେ ଦୀପ ରହିଥାଏ, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ 108 ଦୀପ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତା'ର ପଛ ଭାଗରେ ଯେମିତିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଗୋଟିଏ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ମଣ୍ଡପ, ଆଉ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୀପଦାନ କରାଯାଏ, ଆଉ ପଛ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ମାଆ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସେହି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା, ଅନ୍ୟପଟେ 108 ଦୀପ ଲାଗିଛି, ବିଶେଷ ଭାବେ ତା'ର ପଛ ଭାଗରେ ମାଆଙ୍କର ମଣ୍ଡପ ଯେମିତିକି ମାଆ କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେହି ସଂଘର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୀପାବଳିରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ, କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସେ ସଦାସର୍ବଦା ସୈନିକ ଦୀପାବଳିଟା ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଯେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୀପଟି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଗତ କରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପାବଳି ଠାରୁ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆମେ ସୈନିକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ନା। ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଦେବଦେବତା ପୃଥିବୀକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି, ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆଜି ଅମୃତ କି ଦାନ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅମୃତକୁ ଆମେ ସୈନିକ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ମାଗୁଛୁ। ମାଟି ମାଆର ସେବାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି, ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦୀପ ଲଗାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ ଦୀପାବଳି ଆମେ ଯେମିତି ପାଳନ କରିବା ତ ସେଇଟା ତ ଆମେ କରୁଛୁ, ଦୀପ ହିସାବରେ ଯେମିତି କରିବା ତ ସେମିତି କରୁଛୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସୀମାରେ ରହିକିରି ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦୀପଟି ଆମେ ଜଳାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବର୍ଷ ଏହି ସଂଘ ତରଫରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆବାସ ଦେଖୁଛୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା, ସେହି ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍, ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଦୀପଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦୀପମ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଦୀପମ ଜ୍ୟୋତି ଯେଉଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଦୀପଟା ହେଉଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଏହି ଦୀପ ଦିନ ସମସ୍ତ ପିତୃପୁରୁଷ, ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୀପମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏହି ଦୀପମ ଜ୍ୟୋତିଟା ଆମେ କେବଳ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିକି ଏଠି ଦୀପ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସହରର ଯେଉଁ ପଥିକ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଠି ଏମିତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୀପ ଦେଇଛି ମାର୍ଟିନ୍ ସୋଲଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆମେ ଇନସ୍ପାୟର୍ ହେଇଛୁ ଏଇଠିକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ନିଜେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି କରନ୍ତି? ହଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛୁ, ସବୁ ବର୍ଷ ହିନ୍ଦି ସୋଲଜର୍ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦିୱାଲି ଗୋଟେ ଏମିତିଆର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ମିଶିକିରି ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର୍ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କରିକିରି ଦୀପ ଲଗାଇଛୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା
जे अंततः आम वीर जवान प्रत्येक जड़े दीप लगवा विशेष भाव प्रधानमंत्री जमती प्रत वर्ष जवान मान सहित सेलिब्रेसन कर दिवाली आ ठीक से भाव यही संघ में सेमती किसी बास्नावारी जो भाई भाव में अंततः वीर माँ मटीर जो वीर जवान मान रही से आज दिन की अंततः गोटे दीप लगवा आशेष भाव ए दृश्य ही बयान करुच्चे जो भाई भाव में देश प्रेमर मोह निहाती भाव में पीतांबर या खूब प्रेरणादायी निश्चित भाव में समस्त को बेस प्रभावित कर कम से कम आटलिस्ट जो जवान मैंने आमपाई एत लड़ुं से सीमार जगुंट बोली आम शांति निद्रा जाऊे यहाँ निहाती भाव से गोटे बड़ कह गए गोटे शुभेच्छा और शुभकामना धन्यवाद पीतांबर रेटाम प्रतिनिधि पीतांबर नाहक सेपटे आसंता का केदारनाथ मंदिर परिदर्शन जीवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ से पूजा अर्चना करने सहित 250 कोटी टंका व्यय निर्मित केदारपुरी पुनर्गठन प्रकल्प उद्घाटन करार कार्यक्रम रही है। एस से 150 कोटी टंकार निर्मित होगा केदारपुरी पुनर्गठन प्रकल्प द्वितीय पर्यायर शिलान्यास करेंगे। नवेम्बर 5 तारीख केदारनाथ धाम कवाट बंद कर नीति निर्घंट स्थिर हो 2013 होता भीषण जल प्रलय पर केदारनाथ धाम क्षतिग्रस्त होता यापर तक पुनर्निर्माण कार्य कर पुनर्निर्माण कार्य प्रधानमंत्री तदारक एवं निर्देश रही आग को से लगातार तदारक करेंगे बोली कहते नहीं मंच लगेगा। प्रधानमंत्री जी सुबह आएंगे और उसके बाद दर्शन करेंगे, अन्य कार्यक्रम होंगे, लोकार्पण के पूजा होगी, उसके बाद सभा का आयोजन होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उनकी अटूट आस्था है केदार बाबा से और उनकी इस आस्था का फल माननीय मोदी जी को जब गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे। सेपटे केदारनाथ धाम रे 8 वर्ष पर तीर्थयात्री माने पुनर्बार शंकर अवतार आदिगुरु शंकराचार्य समाधि देखिपर आसंता का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा केदारनाथ रे आदिगुरु शंकराचार्य समाधि पुनर्गठन पर समस्त भक्त को यार दर्शन करार सुजोग दिज्व कहुए भारत में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 शक्तिपीठ प्रतिष्ठा कर आदिगुरु शंकराचार्य मात्र 8 वर्ष बयस घर सन्यासी भाव में भारत गस्तरे बाहरी पड़े से 8th शताब्दी भारतीय हिंदू दार्शनिक तथा धर्मशास्त्री थे। पंडित मैंने मत दे 788 ख्रीटाब्दी दक्षिण भारत में जन्मग्रहण करते 820 ख्रीटाब्दी शंकराचार्य हिमालय केदारनाथ में महासमाधि नहीं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहे तन्नो रुद्र प्रचोदयात। भगवान केदारनाथ जी का सानिध्य में परसों 6 तारीख प्रातःकाल 6 बजे भगवान केदारनाथ जी का कपाट बंद होने जा रहा है शीतकाल के लिए। जो भगवान केदारनाथ जी का जो शीतकालीन गद्य स्थल मुख्यमठ ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान केदारनाथ जी विराजमान हो जाते हैं, कल सुबह प्रातःकाल भगवान केदारनाथ जी का दर्शन पाने के लिए मान्य हमारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इधर पधार रहे हैं। हम लोग मंदिर समिति की तरफ से पुजारी लोगों की तरफ से उनको स्वागत करते हैं। भगवान केदारनाथ जी का हर बार मान्य प्रधानमंत्री जी दर्शन पाके महारुद्राभिषेक करके देश का कल्याण के लिए मनोकामना मांगते हैं, ये तो बहुत अच्छी खुशी का बात है। कल सुबह प्रातःकाल 8 बजे भगवान केदारनाथ जी धाम में पधारे माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रथमतः मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी का आशुतोष महामृत्युंजय भगवान केदारनाथ जी का महारुद्राभिषेक करेंगे साहब। उसके बाद मंदिर का परिक्रमा करके जो आदिगुरु शंकराचार्य जी का जो मूर्ति है उनका अनावरण हो रहे हैं, ये बहुत खुशी का बात है। बहुत सारे केदारनाथपुरी में आज रौनक आ गया है। दर्शकों को पागल कला अनाथे दीपावली अवसर में मुक्तिलाभ कर सम्मानजनक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त सुपरस्टार रजनीकांत सिनेमा अनाथे तमिल थलाइवा बहुप्रतीक्षित सिनेमा अनाथेर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखापी दर्शकों मध्य देखा मिली अभूतपूर्व उत्साह। सारा विश्व में 21 थिएटर मुक्तिलाभ कर सिनेमा केवल भारत में 900 रु ऊर्ध थिएटर में प्रदर्शित होगी, कड़ा टक्कर देउछि हॉलीवुड मूवी को। दीपावली अवसर में सका 6 आरंभ हो अनाथेर शो
ସେଥିପାଇଁ ରାତି ନଅ ପହଣ ଦର୍ଶକମାନେ ହଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ବାଜା ବଜାଇ ଆତସବାଜି ଫୁଟାଇ ଉତ୍ସବ ମନାଇଥିଲେ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସିନେମା ପାଇଁ ଏପରି ଉତ୍ସାହ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ସମୟ ହୋଇଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ରଖିବା। ନମସ୍କାର।